तरफ से और संस्थान के परिवार की तरफ से आप सभी आए हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हर वर्ष की तरह 26 जनवरी को देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चूंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने अपना संविधान अंगीकृत किया था, उसी को उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होते हुए भी संप्रभु राष्ट्र है, जिसके लिए हम और हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान किए, जिसकी वजह से आज हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमें सबको याद है और मुझे लगता है सब लोग जान रहे हैं, भारत विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र रहा हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र रहा हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र रहा हो, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र रहा हो, भारत ने दुनिया में अपना डंका बजाया है और उसी का एक अंग हमारा संस्थान भी है, जो सन 2006 से स्थापित होकर आज उसी पृष्ठभूमि पर आगे बढ़ता जा रहा है, जिसपे शिक्षकों का एक अमूल्य योगदान है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र के, हमारे जनपद के, हमारे प्रदेश के सभी छात्र छात्र शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। जिस भाईचारे के साथ, जिस आपसी मेलजोल के साथ हम लोगों ने देश को या हमारे पूर्वजों ने देश को आगे बढ़ाया है, उसी का प्रतिफल है कि हम सब लोग एक सूत्र में पिरोकर भारत का अगला निर्माण करने की ओर अग्रसर रहते हैं और रह रहे हैं। हम सब आज आत्मविश्वास के साथ उन्नत भारत के साथ चल रहे हैं, जहां पर आत्मनिर्भर होने के साथ सफलता का मंत्र का भी संदेश हमारे राजनेताओं ने, हमारे शिक्षाविदों ने और हमारे मनीषियों ने बराबर हमको प्रेरणा स्रोत के रूप में देते रहे हैं। यहाँ पर एक मैं महत्वपूर्ण बात जरूर बता जा रहा हूँ कि किसी भी संस्था का एक अपना उद्देश्य है। संस्थाएं अनुशासन के सहारे चलती हैं। संस्था का अनुशासन, संस्था का निर्णय, संस्था का नेतृत्व और संस्था के प्रति वफादारी ही संस्थान का मूल मंत्र होता है। उस पर स्वेच्छाचारिता का कोई स्थान नहीं होता है। वही संस्थान आगे बढ़ेंगे जिस इस मूल भावना को लेके आगे चलेंगे। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आज बदले हुए युग में शिक्षा के साथ हम लोगों के लिए बहुत सारी चुनौती हैं। पहले शिक्षा कलम और दवात पे थी, आज शिक्षा टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, जिससे हमारे शिक्षकों को साथ साथ छात्रों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा का टेक्नोलॉजी का स्तर यह है, पहले हम किताबों के माध्यम से अपना अध्ययन करते थे, आज किताबों के साथ साथ संचार व्यवस्था में नई टेक्नोलॉजी का आगमन हो गया है। आप कहीं से बैठकर कहीं से भी अपनी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं और अपने विचारों को आप समाज पे मैसेज का काम कर सकते हैं। इस कठिन शिक्षा, जो परंपरागत शिक्षा थी, उससे टेक्नोलॉजी की शिक्षा को हम सबको सीखना बहुत जरूरी है। शिक्षकों के ऊपर भार इस बात का है कि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आए हुए हमारे छात्र छात्राओं को पारंगत करें और समाज में वर्तमान में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। मेरा ऐसा मानना है कि आज जो भी अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करते हैं, उनकी पहली सोच यह रहती है कि शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चे आर्थिक क्षेत्र में उन्नतशील बने।
अतः मेरा शिक्षक वर्ग से यह अपील है और निवेदन है कि आज की शिक्षा के अनुसार बच्चों को पारंगत करें, जिससे कल के भविष्य में वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकें और अपने परिवार की सुरक्षा और दायित्वों का परिवहन करने की क्षमता प्रदान करें। मैं छात्रों के बारे में जरूर ये कहूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप कोशिश करके कहीं हारने का मन नहीं खराब करेंगे, अपनी बात को विराम देने के पहले एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you.
अदा थोड़ा अंदाज है। कुछ पंक्तियों के साथ कुछ कहना चाहता हूँ। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जब को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे भारी है। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में जहाँ महापुरुषों ने अपनी जान दी, वहाँ महिलाएं भी पीछे ना रही। क्या हम रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को भुला सकते हैं? इसी के साथ अब मैं कक्षा 9 एवं कक्षा 11 की छात्राओं को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह रानी लक्ष्मीबाई का वीर स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। के झुंड बाज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो, मान शान या की जान भाव धान आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड
महारानी, अगर अंग्रेजों ने हम पर हमला किया तो क्या होगा? अंजाम चाहे जो भी हो, हम झांसी उनके हवाले नहीं होने देंगे। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन गए विजय। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। मरे नहीं सु मृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही जो आपके लिए जिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती और उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। प्रधानाचार्य जी, सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाएं व उपस्थित आए हुए सभी अभिभावकगण, बच्चे सभी को गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर स्वागत व अभिनंदन करती हूं और आए हुए सभी अभिभावकों से अनुरोध करती हूं कि हमेशा की तरह अपना सहयोग प्रदान करें, हमारे विद्यालय पंचशिला को शक्ति प्रदान कर आगे और आगे ले जाने में मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने पालितों का विद्यालय में प्रवेश कराकर हम सबको सहयोग प्रदान करें। मैं कुछ शब्दों के माध्यम से अपने और अपने पंचशिला परिवार के लिए अपना स्नेह प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कृपया एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस ज्ञान वाटिका में पल्लवित है पुष्प आज, बूंद बूंद पानी डाले सीची फुलवारी है, और शिक्षकों को करते प्रदान से संभाव, निष्ठावान कर मठ कर्म के पुजारी है, और बढ़ रहा है प्रगति पथ पर पंचशिला, श्री जितेंद्र का प्रयास अति मनोहारी है, और रौबदार जानदार शानदार व्यक्तित्व सौमशील बदरी विशाल जी तिवारी है, और रौबदार जानदार शानदार व्यक्तित्व सौमशील बदरी विशाल जी तिवारी है। शालिनी तिवारी का जवाब नहीं ला जवाब, शिक्षा की प्रगति है तू शिक्षा दिखलाती है, सदा रहे संग संग साथ देती सीमा भोला, शासन चला के अनुशासन चलाती है, समझाते सुलझाते गणित अनिल सर, रौबदार अंग्रेजी कविता पढ़ाती है, और राष्ट्रभाषा हिंदी है करो सभी सम्मान, हिंदी ज्ञान प्रतिमा जी हमको कराती है, अनुराग सिमरन
साक्षी अभिषेक सभी, मेहनत लगन से सिखाते गुरु ज्ञान है, और खेले है खिलाती पूजा, नाचते नचाते हर्ष, रिया श्वेता और पुनीत का भी योगदान है। पंच तत्व जैसा पंच शिला मेरा आगे बढ़े, हर नित आयुषी शालु का अरमान है, और शिक्षा के विकास में सदैव रहे अग्रसर, संस्कार सभ्यता का श्रेष्ठ स्वाभिमान है। राजमोहन और अजीत संग में तरन जीत, संस्कार सभ्यता की सरिता बहाएंगे, मिलता है इनका सदैव इसने सहयोग, पालितों को गुण ज्ञानी ध्यानी हम बनाएंगे, और यदि मिला आपका हमेशा हमें प्यार से, आपका भरोसा कभी तोड़ नहीं पाएंगे, और पंच तत्व से सजा जो प्यारा न्यारा पंचशिला, प्रगति के पथ पर बढ़ा के लेके जाएंगे। अंत में हमारी प्यारी आशा मैम, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, पर उनके लिए भी कुछ लाइनें हैं कि कर्म लगन निष्ठा सहित आशा और विश्वास, आस्था की आस्था जुड़ी पंचशिला के साथ, अनुशासन के साथ समय से आती जाती, कर सबका सम्मान, सभी से मान है पाती। धन्यवाद। तेरी मिट्टी
मन के बैठल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्योंकि अगर ये लोग नहीं हैं तो आपको सफाई नहीं मिलेगी, अगर ये लोग नहीं हैं तो स्कूल नहीं खुलेगा, ये लोग नहीं हैं तो स्कूल के सारे काम जो आपके एब्सेंस में होते हैं वो होने बंद हो जाएंगे। सभी हेल्प करने वाले कर्मचारी यहाँ मौजूद रहें और जैसे ही उनका नाम बुलाया जाता है प्लीज जल्दी से आगे आएं। सबसे पहले मोहित, मोहित भैया शालू मैम सेंड द कैरेक्टर बैक अभी। मोहित, राम रानी दीपक पांडे जी, योगेंद्र भैया, अर्जुन कैंपस में जो रहते हैं, बैजनाथ जी, रुपेश जी, मिथुन, राधेश्याम यादव जी, राहुल भैया, दीपू भैया, संजीव कुमार पाठक जी, लालमान, लाल बहादुर, रानी चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, प्रतीक शुक्ला जी, अरविंद, आशा जी, त्रिभुवन नाथ, अरुण सिंह जी, उमाकांत शुक्ला, जितेंद्र कुमार तिवारी जी, जितेंद्र नाथ तिवारी जी, शिव कुमार, संतोष जी, अशोक जी, सर्वेश भैया, उर्मिला देवी जी, भूपेंद्र कुमार जी, आकाश, सुनील भैया, आलोक भैया, शिव प्रकाश तिवारी जी, ओम प्रकाश, कलावती जी, यशोदा जी, कांति जी, रामपति जी, सिद्धासेन मिश्रा जी और छोटे लाल भैया, सभी ने अपने नाम सुन लिए हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए। May I request all my students to clap for these people. They have been working day and night for you. Thank you, sir. Thank you for the honors to these people. May I request all